आज हम लेक्चर में एक प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेक्चर की रीडिंग करते हैं और इसके बाद क्वेश्चन आंसर समझेंगे। भविष्य के विषय में सोच विचार कर कार्य करना दूरदर्शिता कहलाती है। कोई भी कार्य क्यों ना हो, यदि आरंभ से ही उसके परिणाम के बारे में सूझबूझ से काम लिया जाए तो हमेशा सफलता मिलती है। भविष्य के विषय में सोचने का तात्पर्य केवल सोच विचार तक ही सीमित नहीं है। केवल सोचने से कोई भी कार्य नहीं होता है, कार्य को मेहनत करने से ही पूरा होता है। जीवन में सफल होने के लिए मेहनत और बुद्धि दोनों का होना आवश्यक है। केवल सोचने से तो व्यर्थ समय नष्ट होता है, काम नहीं। सोमू एक ऐसा ही व्यक्ति था जो बहुत आलसी था, काम करने से सदा जी चुराता था, लेकिन सुख और आराम का सारा शौक पूरा करना चाहिए। मेहनत करके कुछ कमाने के बजाय बैठा रहता सोचा करता। एक रात वह बिस्तर पर लेटा तो उसकी दृष्टि ऊपर छीके पर पड़ी जिसमें आटा रखा था। उसने सोचा यदि अकाल पड़ जाए तो वह इस आटे को अधिक दाम में बेचकर एक बकरी खरीद लेगी, फिर बकरी के बच्चों को बेचकर गाय और गाय के बाद खुद एक आदि का व्यापार करके एक धनी व्यक्ति बनेगा। अपने लिए एक बड़ा मकान लेगा, फिर खूब सारे नौकर चाकर रखेगा और आराम से रहेगा। फिर वह शादी करेगा, उसके पुत्र होंगे। पुत्र का ध्यान न रखने पर वह अपनी पत्नी और नौकरों पर लाभ से प्रहार करेगा। यह सोचते हुए उसने पैर मार दिया जिससे घड़ा नीचे गिर गया और सारा आटा बिखर गया। इस तरह सोचने को दूरदर्शिता नहीं कहते। यह तो समय नष्ट करने की बात है, इससे ना तो कोई काम होता है ना ही कुछ ना होता है। इसलिए कोई भी काम हो तो योजना बनाकर करना चाहिए। इसके लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि काम को पूरा करने के लिए मेहनत करना, मार्ग में आने वाली बाधाओं से घबराकर काम आधा न छोड़ना, साहस से काम को पूरा करने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। कार्य की सफलता के लिए एकाग्रमन होना भी आवश्यक है। यह नहीं कि आज एक काम शुरू किया और दूसरा किसी वस्तु या धन के लालच में आकर काम शुरू करने से भी हानि होती है। जैसे कबूतरों और शिकारी की कहानी से हमें यह मालूम होता है, जरा समाज के दानों के लालच में आकर सारे कबूतर जाल में फंस गए। कुछ लोग जल्दी से जल्दी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लालच में आकर बिना सोचे समझे काम शुरू करते हैं, उनका भूत क्या होगा ये सोचना वे उचित नहीं समझते और गलत कामों में लग जाते हैं। बाद में उन्हें बेहतर बताना पड़े, अर्थात मनुष्य को धैर्य से काम करना चाहिए, किसी काम का उचित फल न मिले वो निराश नहीं होना चाहिए। इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि एक काम की पूरा होने में कुछ समय लगता है। जिनमें दूरदर्शिता का गुण होता है वे ही अपने जीवन में सफल होते हैं। वे सारे कार्य इस तरह योजना बनाकर करते हैं, उनका भविष्य उज्जवल। इसी तरह विद्यार्थियों को भी अपने कार्यों को अच्छी तरह सोच विचार कर करना चाहिए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूरे वर्ष भर नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए, अपने सभी कार्य समय पर पूरे करने चाहिए। जो बच्चे साल भर खेल कूद में बिताते हैं परीक्षा के समय वे घबराते हैं और असफलता का मुंह देखते हैं। जो बच्चे दूरदर्शिता से काम लेते हैं, अपना काम नियम से करते हैं, वे खेल कूद और मनोरंजन भी करते हैं और परीक्षा में अच्छे उत्तीर्ण देते हैं, तब ये ऐसे विद्यार्थियों की प्रशंसा करते हैं, माता पिता भी ऐसे बच्चों पर गर्व करते हैं। तो ये आपका पाठ दूरदर्शिता था। अब इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न है उनके उत्तर समझिए। उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए कैसे काम करने चाहिए, दूरदर्शिता का क्या अर्थ है, सोम दूरदर्शी था या मैं सोचता था, विद्यार्थियों में दूरदर्शिता को समझने से क्या लाभ।
इसका जो पहले के लिए उज्जवल भविष्य बनाने के लिए कैसे काम करना चाहिए, उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हमें योजना बनाकर कार्य करना चाहिए, पूर्व में योजना बनाकर कार्य करना चाहिए जिससे सफलता मिलती है। ठीक है, तो कैसे काम करना चाहिए, योजना बनाकर कार्य करना चाहिए, योजना पूर्ण तरीके से कार्य करना चाहिए। दूसरा, दूरदर्शिता का क्या अर्थ है, भविष्य के विषय में सोच विचार कर कार्य करना दूरदर्शिता कहलाती है। ठीक है, खासदारों का करने से दूरदर्शी था या दूरदर्शिता था तो समूह दर्द सोचता था। ठीक है, समूह दूरदर्शी नहीं था वह दर्द सोचता, ये उत्तर लिखेंगे। विद्यार्थियों में दूरदर्शिता का गुण होने से क्या लाभ है, विद्यार्थियों में दूरदर्शिता का गुण होने से वे परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और माता पिता ऐसे बच्चों का गर्व करते हैं। यह आपको लिखना है, क्रम से लिखेंगे। पहला प्रश्न, उज्जवल भविष्य बनाने के लिए कैसे काम करने चाहिए, इसका उत्तर सबसे पहले लिखेंगे। प्रश्न नंबर एक, उज्जवल भविष्य बनाने के लिए किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, इसका उत्तर लिखेंगे। उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए कार्य करना चाहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर दो देखिए, दूरदर्शिता का क्या अर्थ है, भविष्य के विषय में कुछ विचार करना
So the big part of the world. The moon. Maybe we can show me a chip. The video.
ठीक है, उज्जवल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उज्जवल बनाने के लिए योजना बनाकर कार्य करना चाहिए। जो दर्शकता का प्रयास है भविष्य के विषय में सोच विचार कर कार्य करना दूरदर्शिता कहलाती है। तीसरा प्रश्न है सोमो दूरदर्शी था या दत्तोत्तर था, सोमो दूरदर्शी नहीं था मैं दत्तोत्तर था। और आखिरी प्रश्न इसमें है विद्यार्थियों में दूरदर्शिता का गुण होने से क्या लाभ है, तो विद्यार्थियों में दूरदर्शिता का गुण होने से वे परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं तथा सभी लोगों की प्रशंसा करते हैं, माता पिता ऐसे बच्चों पर गर्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपको नोटबुक में लिखना है, ये सारे आंसर लिखने हैं, क्वेश्चन लिखने हैं मुझसे, और इस तरह से इन प्रश्नों को लिख करके आपको याद करना है। तो अभी हमने लिखने के लिए और क्वेश्चन आंसर किया, इसके बाद अगले लेक्चर में हम लेसन 10 ज्ञान वर्धक टिप्पणी पार्ट 10 है इसको पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर। आज के लिए इतना ही।